एक जंगल में पंछियों का स्कूल चलता था। इस स्कूल में जंगल के सभी पंछी पढ़ने आते थे, लेकिन इन पंछियों में एक थी टूनी चिड़िया। अपने नाम की ही तरह चिक्की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर। फिर भी यह हर क्लास में टॉप कर जाती थी, क्योंकि किसी भी अध्यापक में प्रिंसिपल की बेटी को फेल करने की हिम्मत नहीं थी। चिक्की जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, अपनी खूबसूरती को लेकर उसमें घमंड भी बढ़ने लगा था। बिना पढ़ाई के क्लास में टॉप आना, मेकअप करना होना और दिन भर खेलना, इसलिए कुछ बच्चे चिक्की से चलते थे और कुछ बस इसलिए खेलते थे क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी थी। जितना भी पढ़ ले, इस बार भी चिक्की टॉप करेगी, जबकि टॉप तुझे करना चाहिए। कोई बात नहीं, स्कूल में भले ही टॉप कर ले, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये एंट्री एग्जाम भी क्रॉस कर पाएगी। बात तो ठीक है, पर छोड़, तुझे कहा था ना हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, तो क्या सोचा फिर तुमने उसका? एग्जाम्स खत्म होने दो मेरी माँ, मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूँ। उधर चिक्की का ध्यान अभी भी खेलकूद पर था, क्योंकि उसे पता था कि फर्स्ट तो वो बिना पढ़े भी आ जाएगी, इसलिए वो डुक्कू के घर पर उसके साथ खेलने के लिए आती है। लो चिक्की भी आ गई, अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे कि चिक्की कितनी होशियार है, जो किताब को एक बार भी देख ले तो उसे इतना याद हो जाता है कि क्लास में टॉप कर जाती है। हाँ वो तो है, मेरा दिमाग भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत है। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग और रंग देखकर ही उल्टी आ जाए। कोयल समझ चुकी थी कि चिक्की ने उसे ही ताना मारा, लेकिन टुक्कू के घर पढ़ने आई कोयल इस बात को सुनकर भी अनसुना कर देती है। लेकिन टुक्कू कोयल के इस अपमान को सह नहीं पाता और कहता है कि क्या करें, हर किसी के पिता स्कूल के हेडमास्टर भी तो नहीं होते। हाँ, इस जन्म में भगवान ने ही मुझे तुम सबसे बेस्ट बनाया है, अब चलो हम खेलने चलते हैं। नहीं, मुझे अभी बस पढ़ाई करनी है, मैं टॉप तो नहीं आ सकता, पर कम से कम पास होकर अगली क्लास में तो पहुँचूँ। वो तो मैं पापा से कहकर तुम्हें करवा ही दूंगी, अब चलो भी, क्या लड़कियों जैसे पढ़ने का नाटक कर रहे हो। कोयल भी पढ़ने आई है, तुमको भी पढ़ना है तो बैठ जाओ। जिनका दिमाग कम होता है उन्हें ही एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ना पड़ता है, मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं खेलना तो मत खेलो। ये कहते हुए चिक्की वहाँ से चली जाती है। वो चमगादड़, बास, कौवे बारी बारी सबके घर जाती है और सब एग्जाम्स की वजह से पढ़ने में बिजी होते हैं। स्कूल में ये मुझे देखती तक नहीं, अब आई खेलने को, कोई नहीं मिल रहा तो मेरे घर तक आ गई। खुद को बहुत ही पढ़ाकू समझती है, लेकिन अभी इसे दो का पहाड़ा पूछ ले तो इसको अपनी नानी याद आ जाएगी। तुम्हें लगता है कि ये बस अपने पिताजी की वजह से एग्जाम्स में पास होती है? क्या पता। और चिक्की ये सब बातें सुन लेती है। दरअसल बचपन से लेकर इस उम्र तक चिक्की को एहसास ही नहीं होने दिया गया कि वो पढ़ाई में कमजोर है। वो अगर क्लास में गलत जवाब भी देती तो मैम डर के मारे सभी बच्चों से तालियां बजवाना शुरू कर देती थी। चिक्की उदास मन से लौटने लगी, वो चुपचाप अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी कटी हुई पतंग के मांझे में उसके पंख फंस जाते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। चिक्की समझ जाती है कि अगर वो इसी तरह से फंसी रही तो कुछ देर में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी उसी रास्ते से कोयल भी गुजरते हुए अपने घर जा रही थी। तुम हिलना बंद करो, इससे तुम्हारे पंख कट जाएंगे, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ, बस तुम हिलना और घबराना बंद करो। कोयल ये कहते हुए पास में मौजूद माधव के घर जाती है और उसे सारी बात बता देती है। माधव सीढ़ी लेकर चिक्की को मांझे से आजाद करता है और चिक्की ये सब देखकर रोने लगती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कोयल से कितनी नफरत करती है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। ऐसे में कोयल उसे रोते हुए देखकर हग कर लेती है और कहती है कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, देखो अब तुम आजाद हो, चलो रोना बंद करो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। भला दोस्त कब से माफी मांगने लगे, इस पिंटू को ही देख लो, अगर ये अपनी गलतियों की मुझसे माफी मांगने लगे तो ये जन्म ही कम पड़ जाएगा माफी मांगने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता रंग से नहीं गुणों से होती है, इसलिए हमें भी इंसान का रंग नहीं उसके गुण देखने चाहिए। अच्छी लगी कहानी तो लाइक और शेयर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, बाय बाय।